नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। मेडिकल की तैयारी करने वाले और सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए होने वाली नीट SS की परीक्षा के पैटर्न को एग्जाम से कुछ ही समय पहले बदल दिया गया है। इसको लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने यह कहा कि सत्ता के खेल में सरकार डॉक्टरों को फुटबॉल ना समझे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए एक हफ्ते का समय भी दिया है। विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा, सीपीआई के फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में उनके स्वागत की तैयारी भी पूरी हो चुकी है, लेकिन सीपीआई नेता के आने से पहले ही सवाल उठने शुरू हो गए थे। इसको लेकर अजीत शर्मा ने कहा कि पहले से पार्टी में वरिष्ठ नेताओं और युवाओं के बीच सामंजस्य बैठा है, कन्हैया के आने से ये बना रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी चाहेगी कि कन्हैया पंचायतों में जाए और बताए कि नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने को कहा था। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिना किसी शर्त के किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पीएम व्यक्तिगत रूप से तुरंत और प्रभारी ढंग से हस्तक्षेप करे और तीनों काले कानून को रद्द करने के लिए किसानों से बातचीत करे। शिष्टाचार मुलाकात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज नवनिर्वाचित विधान परिषद रोजीना नाजिश ने यह मुलाकात की। इस मौके पर रोजीना नाजिश ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुष्पगुच्छ भेंट किया। वहीं मुख्यमंत्री ने रोजीना नाजिश को निर्विरोध विधान परिषद निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। तेलंगाना विधानमंडल के दोनों सदनों ने चक्रवाती तूफान गुलाब के प्रभाव से राज्य में हो रही भारी बारिश को देखते हुए 3 दिनों के लिए चल रहे सत्र को स्थगित कर दिया है। विधानसभा विधान परिषद की मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को कोई बैठक नहीं होगी, शुक्रवार से सदन की बैठक होगी। बिहार पंचायत चुनाव में कल दूसरे चरण के लिए वोटिंग की जानी है। इस दौरान इस दौरे में 34 जिलों में 48 प्रखंड में 23,161 पदों के लिए वोट पड़ेंगे, लेकिन इनमें 3,402 सीटों पर मतदान से पहले ही परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और एकल प्रत्याशी होने के कारण उनका निर्वाचन भी हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। नए कीट रोग फसलों, पशुओं और इंसानों को प्रभावित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए कोशिशें तेज करने की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ टेलीफोन पर बात करने की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की इच्छा निकट भविष्य में पूरी होने नहीं जा रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रवक्ता जेन साकी ने साफ तौर पर कहा है कि अभी वो इस बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने और विद्युत विभाग की मनमानी से परेशान बिजली उपभोक्ताओं ने आज पटना सिटी के कटरा स्थित बिजली ऑफिस का घेराव कर दिया और जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान आक्रोशित माल सलामी और कटरा के नागरिकों ने अशोक राजपथ को पूरी तरह से जाम कर दिया और प्रीपेड मीटर को हटाने के लिए जमकर हंगामा मचाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कटु विवाद के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह दोपहर में चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हुए। सरकार त्योहारों के समय नौकरी पेशा वालों के लिए नए नए ऑफर्स देती है। इस बीच जो पीएफ खाता धारकों को ब्याज की रकम दिवाली के पहले मिलने की उम्मीद है, कर्मचारियों के पीएफ खाते में 8.5% की दर से ब्याज डाला जा सकता है। एक खबर के मुताबिक नाम न छापने की शर्त पर 2 सरकारी अधिकारियों ने बताया कि सरकार की ओर से जब कर्मचारी और पेंशनभोगियों के खाते में महंगाई भत्ता आएगा तो ये काम किया जाएगा। कोलकाता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति अरिजीत बैनर्जी की खंडपीठ ने सोमवार को कोलकाता के पास न्यू टाउन इलाके में एक स्कूल स्थापित करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को भूखंड के अनियमित आवंटन के संबंध में 10,000 रुपए का सांकेतिक जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 18,795 नए संक्रमित देश में मिले हैं। राहत की बात यह भी है कि देश में बीते दिन रिकवर होने वालों की संख्या फिर से संक्रमित लोगों से अधिक हो गई है। 18,000 लोग संक्रमित हुए हैं तो वहीं 26,030 लोग रिकवर हो गए हैं। 179 लोगों की जान भी चली गई है। नितिन गडकरी एशिया की सबसे लंबी निर्माणाधीन जोजिला टनल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि एशिया की सबसे लंबी टनल का अगले साल तक उद्घाटन कर दिया जाएगा। इसके पूरा होने पर सर्दियों में होने वाली भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर लेह लद्दाख हाईवे बंद नहीं होगा और लद्दाख जाना आसान होगा।
भारत बंद को समर्थन देने को लेकर नई कैबिनेट के साथ बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मंत्रियों से मृतक किसानों के घरों का दौरा करने और उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र देने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि कृषि विरोधी कानून के विरोध में मारे गए किसानों के परिवार के लिए करीब 155 नियुक्तियां तैयार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर आंध्र प्रदेश से सटे दक्षिण ओडिशा के लिए एक पूर्व चक्रवात चेतावनी जारी की है। ये चक्रवात 24 सितंबर को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में शुरू हुआ है, जिसके बाद 25 सितंबर की दोपहर तक यह बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर रात तक एक अच्छी तरह से चिन्हित LPA में बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित विशेष लक्षणों वाली फसलों की 35 किस्मों का मंगलवार को लोकार्पण किया। फसल की इन किस्मों को ICAR के सभी संस्थान, प्रत्येक राज्य और केंद्रीय कृषि विद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समूचे देश को समर्पित किया गया। कोलकाता हाई कोर्ट ने भवानीपुर उपचुनाव से संबंधित एक याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया और मतदान तय तारीख यानी कि 30 सितंबर को कराने का आदेश दिया है। बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सीट से उपचुनाव में खड़ी हुई थी और भाजपा ने उनके खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल को यहां से मैदान में उतारा है। अफगानिस्तान म्यांमार संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय आम चर्चा को संबोधित नहीं कर पाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की उच्च स्तरीय आम चर्चा जनरल डिबेट के आखिरी दिन के वक्ताओं की सूची के अनुसार अफगानिस्तान तथा म्यांमार के नाम सूची में नहीं थे। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एक ऑपरेशन के दौरान लश्कर ए तैयबा का एक सदस्य जिंदा पकड़ा गया है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने ANI से बातचीत में कहा कि अली बाबर पात्रा ने सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। आतंकी पाकिस्तान के पंजाब के ओखरा का रहने वाला बताया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस में बने रहेंगे। सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे खत में कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए यह पूर्व नियोजित साजिश थी और ये घटनाएं पल भर के आवेश में नहीं हुई है। चक्रवात गुलाब तूफान के चलते आंध्र प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार इस तूफान के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है। यहां तक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात तूफान गुलाब आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में अपने तेवर दिखा चुका है। अध्ययन बताते हैं कि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज से 40% एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है और बाकी 60% के लिए दूसरी डोज जरूरी होती है। सीधे शब्दों में कहें तो संक्रमण के खतरे के खिलाफ मजबूत सुरक्षा चक्र बनाने के लिए दोनों डोज का लगना जरूरी है। हर व्यक्ति का यह प्रयास रहना चाहिए कि तय स्केड्यूल के मुताबिक सही समय पर दूसरी डोज लग जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDRF और SDRF ने 17 सालों में देश के आपदा प्रबंधन के इतिहास को बदलने का काम किया है। राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री और पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चले घटनाक्रम में कांग्रेस के पर्यवेक्षक रहे हरीश चौधरी ने कहा कि राजस्थान की तुलना पंजाब से नहीं की जा सकती है। राजस्थान में 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुराना मुद्दा था। केंद्र सरकार ने जब साल 2014 में विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया था, तब इसके विरोध में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जदयू के नेताओं और मंत्रियों ने 5 मिनट तक थाली पीटा था। राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये भी महागठबंधन का मुख्य मुद्दा रहेगा। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक टिप्पणी से नाराज अमेरिकी मीडिया को शांत करने की कोशिश की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि राष्ट्रपति की टिप्पणियों का मतलब सख्त लहजे के रूप में नहीं था। बता दें कि बाइडेन ने कहा था कि भारतीय प्रेस अपने अमेरिकी समकक्षों की तुलना में बेहतर व्यवहार करता है। आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह के दौरान शेयर बाजार खुला था तो तेजी के साथ, लेकिन देखते ही देखते उसमें भारी गिरावट आ गई। आज सुबह सेंसेक्स करीब 208 अंकों की बढ़त के साथ 60,285.89 अंकों के स्तर पर खुला, जो एक दिन पहले 60,077.88 अंकों के स्तर पर बंद हुआ था। चीन के दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी एवरग्राउंड के दिवालिया होने की आशंका से दुनिया अभी सहमी हुई है। वहीं अब चीन में बिजली संकट ने भी नई टेंशन दे दी है। हालात यह है कि बिजली संकट की वजह से कई कंपनियों में प्रोडक्शन बंद हो चुका है। वहीं कई कंपनियों को बिजली के बैकअप का इस्तेमाल करने में ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है ओमकार सिंह, सत्यम यादव, रणधीर कुमार, नीतीश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, निंजा 999 स्पोर्ट। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस से इस्तीफा देने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।